फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम आज जा रहे हैं उमल क्वेन। यहाँ जो 7 एमिरेट्स है उसमें से एक एमिरेट है उमल क्वेन। और उमल क्वेन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का काइट बीच बहुत फेमस है, तो हम वो काइट बीच के लिए ही जा रहे हैं। तो ये एक बंदरगाह है। एज़ पर माई नॉलेज यहाँ पर ये जो एडनॉक का पेट्रोल पंप है ना, शायद यहाँ पे जो शिप्स आती होंगी वो पेट्रोल लेती होंगी। और इस पेट्रोल पंप में भी हम लैंड वाली साइड में हम अपनी कार में पेट्रोल डला रहे थे, और इसका व्यू बहुत अच्छा लगा मुझे तो, और बहुत यूनिक चीज़ लगी, मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी ये कैप्चर कर लेना चाहिए। बस फिर हमने हमारी कार में पेट्रोल डलाया और फिर हम वहाँ से निकल गए। और यह है काइट बीच क्लब का एंट्रेंस, पर ऑफ़ कोर्स हम वहाँ के मेंबर नहीं हैं तो हम क्लब के अंदर तो नहीं गए, बट हम वहाँ से एक राउंड लगा कर बस गए। और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इतनी गर्मी है पर जब भी समंदर के पास होते हैं ना तो इतनी गर्मी नहीं लगती। चलिए बीच की तरफ चलते हैं। बस अब बीच के बहुत करीब आ गए हैं, और आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं अपने आप को समंदर के या पानी के करीब जब भी पाती हूँ ना तो बहुत खुशी महसूस करती हूँ। और ये बात मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है, तो जब भी मैं उनको बोलती हूँ चलिए बीच चलते हैं तो वो कभी मना नहीं करते। भगवान ऐसा हस्बैंड सभी को दे जो वो मुझसे मतलब मेरी हर इच्छा पूरी करने की वो अपनी 100% देते हैं, और कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए वो मना नहीं करते, हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आकर ना जब आप समंदर के पास खड़े हो जाते हैं ना तो अपने आप को बहुत सोचते हैं कि लोगों में ये होता है ना, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत पैसा, मैं बहुत ये, लेकिन जब आप समंदर के सामने खड़े होते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आप कितने छोटे हैं। समंदर में हर कुछ है, खजाना भी है, मोती भी है, हर कुछ है, लेकिन फिर जब हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं तो हम बहुत छोटे होते हैं। तो हर इंसान को कुछ समय के बाद समंदर के सामने जाकर खड़े होना चाहिए कि भगवान ने आपसे बड़ी कई हस्तियां बनाई हैं, तो आपको कभी घमंड नहीं होगा। ऐसी मेरी सोच है। अगर ये सोच अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और बस फिर हम बीच पर ऐसे चले जा रहे थे आगे आगे आगे। पता है क्या, हम बिल्कुल दोपहर की टाइम गए थे ये बीच पर, और तब आई थिंक 40-45 टेम्परेचर रहा होगा शारजा में भी। लेकिन जब हम बीच पर पहुँचे ना तो वहाँ इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, हालांकि धूप भी थी फिर भी गर्मी नहीं लग रही थी। और हमको वैसे भी घूमने में बहुत मज़ा आता है, तो अगर धूप होगी भी ना तो शायद हमें लग नहीं रही होगी। और ये यहाँ पे एक जिम टाइप का बना हुआ है, मैंने ऐसा किसी भी बीच पे कभी नहीं देखा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और बहुत अच्छा लगा, जो लोग यहाँ आसपास रहते होंगे उन लोगों के लिए जिम फैसिलिटी है पूरी यहाँ पर, तो आकर इतने अच्छे नज़ारे के साथ एक्सरसाइज करने में क्या मज़ा आता होगा। और बंदा अगर 15 मिनट या आधा घंटे के लिए आया हो वॉक करने या एक्सरसाइज करने तो 45 मिनट्स या एक घंटा लगा कर जाता होगा। और यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी था, अगर आप एक्सरसाइज के लिए आए तो बच्चों को वहाँ खेलने छोड़ दीजिए और आप एक्सरसाइज कीजिए। और बस फिर हम ऐसे बीच पर आगे जाते जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा।
ये उमलक्विन काइट बीच है। बस ये हम काइट बीच के एंट्रेंस पर आ गए हैं और ये यहाँ पे वाटर स्पोर्ट और वाटर एक्टिविटीज़ काफ़ी कुछ होता है। तो यहाँ पर अंदर तो उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं थे और हम क्योंकि मेंबर नहीं हैं तो हम उस रिसॉर्ट के या उसके अंदर नहीं गए, पर ज़्यादा लोग वहाँ दिख भी नहीं रहे आप खुद देखिए। पर हाँ, कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर बाद में आई थी और ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है और बारबेक्यू वगैरह अलाउड नहीं था इस बीच पर। किसी किसी बीच पर होता भी है अलाउ, पर यहाँ पर नहीं था। तो बस हम ऐसे घूमने गए उस तरफ, जो ये हट सी बनी हुई आपको दिख रही है ना उस तरफ, और वहाँ पे देखा हमने कि क्या सारी चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर हम आते हैं और ये ओपन होता है तो हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर बीच वॉलीबॉल का कोर्ट भी बना हुआ था, ये वाला देखिए। जब आई थिंक अच्छा मौसम रहता होगा तो लोग यहाँ पर खेलते होंगे, कितनी रौनक होती होगी ना। पर हम तो घूमने के हिसाब से गए थे और हमारे जैसे घूमने के शौकीन कुछ और भी थे वहाँ पर। ये आई थिंक कुछ वाटर स्पोर्ट कर रहा था वो, इसका नाम मुझे नहीं पता, तो वो आई थिंक कोई लेडी को सिखा भी रहा था वहाँ पर। तो ये जो पैराशूट टाइप का है ना, ये जब आकाश में ऐसे उड़ता था ना ब्लू कलर का, बहुत खूबसूरत लगता था। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर रुककर ये देख रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर एक फैमिली भी आई हुई थी, लाइक थोड़े थोड़े दूर पे फैमिलीज़ थी यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और बिल्कुल भी वीराना नहीं था। और मुझे समंदर बहुत पसंद है, वाटर बॉडी के करीब रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी समंदर देखती हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं कि मैं पागल ही हो जाती हूँ पानी देखकर, और मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख रही थी, व्लॉग अब्रॉड पर इतनी लहरें आ रही थी कि वो ठीक से लिखा भी नहीं पा रहा था। बहुत अच्छा लगता है ना जब आप कुछ लिखते हैं और फिर वो लहरें मिटा जाती हैं, तो वो बार बार मिट रहा था तो फिर मैंने लिखा ही नहीं। बस फिर हम ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे पानी में। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है बीच पर आना, और मेरे बाल हवा की वजह से इतने उड़ रहे हैं, बहुत हवा थी वहाँ उस दिन। और फिर हम अपने साथ कुछ स्नैक्स लेकर गए थे, वही खा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। भगवान का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, हमें इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए और इतनी अच्छी जगहों पर हम जा पाते हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, और भगवान सबके नसीब अच्छे करे, सबकी सारी इच्छाएं पूरी करे। ये देखिए ये क्लाइड बहुत देर बाद उड़ी, तो मैंने सोचा कैप्चर कर ही लेती हूँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काइट बीच का, आप लोग भी आइए। और हम बड़ी ईद की छुट्टियों में एक आध बार तो यहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये बीच। बस फिर वहाँ से हम निकल गए थे अपने घर की तरफ, क्योंकि धूप काफ़ी थी, तो घर और घर भी वापस आना ही होता है ना, आप पूरा दिन तो वहाँ नहीं बिता सकते। तो बस वहाँ से हम अपने घर की तरफ वापस आने लगे हैं उमलक्विन को बाय बाय बोलकर। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मा सलामा।